नमस्ते बच्चों, जो पिछले एक अवधि में आठवीं कक्षा पाठ पाँच में हम क्या देखे थे, जो विश्व में डाटा के कैसा चल रहा है, जो स्कूल में प्रतियोगिता कैसे पत्र लिखते हैं, उसी के बारे में हम जानकर लिए थे। अभी एक इस अवधि में क्या कहेंगे, जो डाका विश्व का डाका संघ की एक ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का एक सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। जो कहाँ से शुरू हुआ, जो 16 वर्ष के बच्चे थे, जब वो विश्व डाका संघ में क्या किए थे, जो 16 वर्ष के एक बच्चों को हम प्रतियोगिता कर सकते थे, जो पत्र के एक कॉम्पिटिशन कर सकते थे, उसे सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, 1972 से शुरू हो गया। यह एक सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधना होंगे, तेज विकास तथा अन्य एक कारणों से पत्रों का एक आवाजाही प्रभावित हुई है। जो क्या हुआ है, देखिए, जो यही सही है कि खासतौर पर जो इम्पोर्टेंस, जो संदेश को भेजना है, उसे एक समय में क्या करते थे, वहाँ पर बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े सिटियों में क्या करते थे, महानगरों में संचार साधनाओं के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की एक आवाजाही प्रभावित हुई है। जो एक वहाँ पर संदेश भेजना, जब तक पत्रों को पत्रों के लेकर नहीं है, जो क्या करते थे, जो वहाँ पे रहता था, जो साधन संचार साधन, जो संचार साधन से क्या कर सकते थे, वहाँ संदेश को भेज सकते थे। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जो पिछले कैसे चल रहा था, आज भी हम क्या करते हैं, जो पत्र को यूज करते हैं, जो पत्र के मुताबिक ही दुनिया चल रही है। और फैक्स, ईमेल और टेलीफोन तथा एक मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रुका है। जो अभी इस दुनिया में क्या हो गया है, जो ईमेल से, टेलीफोन से, जो मोबाइल के एक मोबाइल से यूज काम चल रहा है, इसी के लिए चिट्ठियों का एक तेजी, जो चिट्ठियों का एक काम रुक गया है। पर व्यापारिक डाका की एक संख्या लगातार बढ़ रही है। जो एक व्यापार में क्या हो रहा है, इसी का एक संख्या, जो तेजी चिट्ठियों का एक संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार चल रहा है, जो तेजी से चल रहा है। जो जहाँ तक पत्रों का सवाल है, जो जहाँ तक पत्रों का काम चलता था, जब क्या हो गया, अगर आप बारीकी की उसकी तरह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। जो पत्रों कैसा होता है, इसी के बारे में बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, जो पत्रों का सवाल आता है, जब हम क्या करते हैं, अगर आप बारीकी से उसकी तरह में जाए तो, जो पत्रों से हम जाए तो, जो उसके कामों में गए तो क्या हो जाता है, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखाया हो, या पत्रों को बेइज्जती से जिसने इंतजार न किया हो। जो पत्रों को लिखते हैं, उसी की लोग अभी क्या है, यहाँ पे इस दुनिया में है। जो पत्र लिखना और उस पत्र को पढ़ना, और हम क्या करते हैं, जो पत्र आते हैं उसका इंतजार भी कर लिए हैं। जो पीछे लोग क्या करते थे, जो पत्र का इंतजार करते थे, उसी की अभी काम क्या हो रहा है, में चल रहा है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, जो एक खास तौर पर हम करते हैं, किनको करते हैं, जो सैनिक को, सैनिकों क्या करते हैं, अभी भी पत्रों का इंतजार कर रहे हैं। जो उसकी कोई मिसाली नहीं, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, जब पत्रों का काम चल रहा था, जब लोगों क्या करते थे, महीनों से उस पत्रों का एक इंतजार करते थे। पर अब वह बात नहीं, जो अभी क्या हो गया है, इंतजार करने का काम नहीं है। पर
देश को बेच जाते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों की कमी नहीं देखे जो अपने पूर्वों की चिट्ठियों को सहेज और सजा कर निकासत के रूप में रखे हुए हो। जो पीछे पत्र थे उस पत्र को हम क्या करते हैं, जो बार बार पढ़ लेते हैं, जो SMS था SMS को हम बार बार नहीं पढ़ते, जो SMS को हम याद भी नहीं रखते। पर आज क्या हो रहा है, जो हम पीछे पत्र को पढ़ लिए थे, जो कोई भी पत्र हो, जो आज भी आए वो पत्र हो, हम क्या कर सकते हैं, उस पढ़े पढ़े हुए पत्र को हम याद से रख लेते हैं या उन्हें सजा कर रख लेते हैं। जो विकासित के रूप में रखे हुए हो या फिर बड़े बड़े लेखक पत्रकारों उद्यमी कवि प्रशासक और सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। जो केवल पत्र जो लोगों लिखे हुए पत्र उतना ही नहीं है, जो कॉम्पोर इस पत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये पत्रकारों के और उद्यमी जो पत्रकार है, जो समाचार पत्र आते हैं, समाचार पत्र को हम क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़कर भी हम क्या करते हैं, उसी को याद रखने के साथ साथ हम निकाल के रख सकते हैं। उद्यमी कवि कवि भी क्या किए हैं, पत्रों के बारे में अनेक कविताएँ लिखे हैं। और प्रशासक सन्यासी या किसान किसान के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, पत्र को देखते हैं। और इनकी पत्र रचनाएँ अपने आप में अनुसंधान का विषय है। ये हम पत्र लिखते हैं, हम क्या करते हैं, उसी के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। अगर आज कैसे संचार साधना होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। जो संचार साधना कैसा हो जाता है, देखिए जो पिछले बार आप कक्षा 6 में थे, जब क्या हो जाता था, इंदिरा गांधी ने अपनी बेटी के लिए एक पत्र लिखा हुआ एक पाठ भी आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो पत्र का एक व्यवहार नहीं था, जब उन्होंने क्या करते थे, वहाँ पे फोन करते थे, जो फोन करने के बदले में उन्होंने क्या किए, वहाँ पे पत्र लिख लिए। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये याद आना आपको, जो कौन सा पाठ है वही पिता के पत्र पुत्री के नाम पर, उस एक पाठ भी आप पढ़ चुके हैं अभी। जो नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो उस एक पाठ को नहीं लिखा हुआ तो, जो इंदिरा गांधी को जो नेहरू ने पत्र नहीं लिखा हुआ तो इस ये एक पत्र क्या होने लगा था, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा नहीं बन सकता था। अभी क्या हो चुका है, उस पाठ को पढ़े हैं हम, जो पत्र का एक क्या क्या होता है, उसका सिलसिला क्या क्या होता है, जो उसी के बारे में हम भी जान चुके हैं। जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो पत्र न लिखने से करोड़ों लोगों को प्रेरणा नहीं होती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, हम सब क्या करते हैं, जो पत्र आते हैं हम पर, जो उस पत्रों को हम क्या करते हैं, सहेज कर रख लेते हैं। पर ऐसे में संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, जो अभी वही चल रहा है इस दुनिया में। क्या हो रहा है, जो हम क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं SMS के मुताबिक भेजते हैं, जो SMS क्या करते हैं हम भेजते हैं, हम भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, जो एक दिन को हम 100 या 200 SMS को भेज सकते हैं, जो कितने संदेश को हम याद रख सकते हैं। जो पत्र हो सकता है, हम क्या करते हैं, उस पत्र के आए हुए एक शब्दों या उपकरण या क्या हो जाता है, जो मैटर होता है, उस मैटर को हम विषय को क्या कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। तमाम महान एक हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादा या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। जो हम पत्र से क्या करते हैं, जो महान हस्तियों जो एक हिस्ट्री में आए हुए सभी का एक क्या होता है, जो उनका विवरण या जीवन के बारे में हम पत्र के मुताबिक ही देख सकते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। भारत में हम किन को याद रखते जा सकते हैं, जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी को हम याद कर सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का एक अनूठा संकल्प भी है, जो दुनिया में क्या कर सकते हैं, हजारों हम क्या कर